काय प्रधान जी हो? प्रधान जी काय प्रधान जी? हाँ को है? हमार लाखन। हाँ हाँ बोल लाखन का करे? क्या चप्पले बाहर उतारे? चप्पले हाँ 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 मारो। हम जा के रहे बोतना के उतरे उतरे एक काम कर, इधर बैठ, इधर बैठ बैठ जाए। हाँ इधर बैठ जा बोल। हम जा के रहे बोतना के खेत में इसको काम हो तो सुबह करवा देती। का काम है वो खेत ना अपने तो तनक सुबह को एक पाल हम बुला लेती। और आई दुआ तो एक पाल पर हमें नहीं मिलो। किधर बात होते हम तो हते घरे ही हते थे, हमें पतो नहीं हती, जानकारी नहीं हती कुछ। काहे मैंने कुआ तो पहुंचाई नहीं गए कुआ भर कुनी है हमार तो। अब का समस्या है दूर बता। वो खेत नपने है सो वे जाकर कटाई बुवाई चल रही है, सुबह बुवाई चल रही सुबह बजाए। अच्छा आओ कर मैं फोन लगा रहा ठीक है रुकिए एक मिनट। अबे मैं तो जाना फोन लगाओ नंबर बिजी आ रहा हूँ ठीक है। तैयार एक काम कर 15-20 मिनट बैठ जब तक वो फ्री हो जाए तब वो फोन लगा के कह देता दूरी ठीक है। ठीक है बैठ जाइए बैठते। प्रधान जी यार हाँ आधा घंटा हुआ फोन लगा लेते हो ना यार। अरे तो पता ही नहीं चला रुक जा एक मिनट लगा रहा फोन लगा ही रहा था ना लगा रहा जा। वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो नमस्कार लेखपाल साहब। हाँ जा गाँव कभी आ रहे कचुनी तनक काम तो खेत में नमने दे एक दो। अच्छा 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 नहीं अब फोन लगाओ तो ना 15 मिनट पहले बिजी आ रही थी लाइन। हाँ वो हम समझ रहे थे तो ठीक है। एक काम करो एक जो किसान है वहाँ गांव को वो खेत नपने तो परेशान है बेचारा बिलात देर से यहाँ रह जाओ काफी टाइम हो गई तुम बैठे लाखन सिंह। तुम एक काम करो बताओ ना कब तक आ जाओ फिर। ठीक है ठीक है ठीक है कछु बात नहीं आ जाओ आराम से आओ खर्चा पानी मिल के यार वहाँ से जाओ तो आ जाए ठीक है। देख तो सामने बात हो गई मैं लेखपाल से लेखपाल कह रहा हूँ कि हम 8-10 दिन में यहाँ गाँव में ठीक है। अब वो ब्याह है बिजी है वो आ नहीं पा रहा हूँ ठीक है। 15 दिन बाद 10-15 दिन जब भी आए वो हम तो घर कुआ पहुँचा दें ठीक है। तो जैसे कुआ पहुँचा दे अपना खेत नपवा लिए बच्चों का खर्चा पानी से 200-500 दे दिए ठीक है। अभी देखता हाँ तो ठीक है अभी काम कर लेते हैं ठीक है। ऐसे मौका पानी मांग रहा घर को नहीं आ रहे। एक काम करिए बाइक नल पे पीके पड़ जाएगी पानी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है जाते हैं तो हम क्या देना ठीक है रहेगी वो 10-15 ठीक है ते जा आराम से। दस एक दिन बाद आए तो हाँ बिल्कुल ठीक है मैं कुआ पहुंचा दे जा। जैसा अभी आप सभी ने देखा कि एक ग्राम प्रधान कैसे एक अपने गाँव के नागरिक के लिए किस तरह बेवकूफ बना रहा है तो आप थोड़ा समझने की प्रयास करिए। हमने ये एक वीडियो इस तरह बनाया है कि ताकि आप समझ सको कि एक गांव का प्रधान एक अनपढ़ गांव के नागरिक के लिए किस तरह बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने गांव का प्रधान शिक्षित चुनिए और अच्छा चुनिए। वोट पैसों में मत बेचिए अपना बस ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद।